क्योंकि ना सड़क पर अगर कोई आपके खिलाफ है ना आरक्षण के, तो ब्राह्मण है और किसी को दिक्कत नहीं हो रही, इनको दिक्कत हो रही है। अगर इनके भगवान में ताकत होती ना तो ये लोग सड़क पर नहीं संघर्ष करते, मंदिर की घंटी बजाते, बिगाड़ लेते, हमारा क्या बिगाड़ना था, है ना। तो उनके मंदिरों तक आवाज जानी चाहिए, जय भीम। और ये जो नीला झंडा है ना, ये इनके लिए कफन है, जो हमारे ये विरोधी लोग है इनका कफन है ये नीला झंडा और नीला निशान। और ये जो जय भीम का नारा बुलंद है और जो आज ये नीला झंडा पूरे देश में क्रांति का प्रतीक बना हुआ है, ये एक आदमी की देन है, साहब काशी राम की। मैं उससे बड़ा नेता नहीं मानता किसी को। साहब काशी राम ने ये बात कही थी कि जिस दिन ब्राह्मण रोड पे आ गया, सोच लेना कि तुम लोग सही रास्ते पे हो, तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं MLA, ठीक है। मैं बाबा साहब के रिजर्वेशन की वजह से टिकट देनी पड़ी, मेरी जगह नहीं तो किसी और को देते। आज ये सीट जनरल हुई, क्या खंडेरा को टिकट मिली क्या? फिर क्यों भाई नेता नहीं है खंडेरा साहब, नेता नहीं गया MLA राधोवाल? तो ये मजबूरी इन चोरों की हम लोगों को टिकट देना, क्योंकि हम लोग नॉमिनेटेड दलाल है समाज के। इन पार्टियों में बैठे हो पता क्या, संदीप तू बाल्मी को दलाली कर, फलाना चमारों की दलाली कर, ढिकड़ा उसकी दलाली कर, तू जाटो की कर, कितने बड़े समाज को 85% ये आरक्षण आपको पता है किस आधार पर दिया गया? बाबा साहब ने जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब के संविधान सभा में वर्ड थे कि हिंदुओं को, स्वर्णों को भारत मिल गया, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, इन दलितों को, पिछड़ों को, बहुजनों को क्या मिला? सिर्फ आरक्षण मिला था उसमें। और वो किस लिए था? बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि अगर दो चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी, जब तक इस देश का समाजवाद और पूंजीवाद इसमें बराबरी नहीं आएगी, इस वोट के अधिकार का कोई फायदा नहीं होगा, इस लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं होगा। आज जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितने भी लोग हैं, ये एक ही परिवार के लोग हैं और मिलकर टूर्नामेंट खेलते हैं, बॉल घर में ही जाती इनके। तो ये भाजपा और कांग्रेस के लोग ऐसे ही लोग हैं। पहले कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, आप कह रहे भाजपा मुक्त भारत बनाओ, लेकिन आना कौन है, है ना। मोहन भागवत कहता है अगर मुसलमान ना हो तो हिंदुत्व कैसे बचेगा, ये स्टेटमेंट है उसकी, ठीक है। योगी कहता है अगर दलित ना हो तो हिंदुत्व कैसे बचेगा। सभी देशों में कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंट्री में दो व्यवस्थाएं चलती हैं, एक वर्ग व्यवस्था, एक व्यवस्था चलती है सभी कंट्रियों में, वर्ग व्यवस्था। अमीर कभी भी गरीब हो सकता है, गरीब कभी भी अमीर हो सकता है, ठीक है। मेरा बाप चौकीदार की नौकरी करता था, मैं MLA बन गया, ये एक व्यवस्था है। लेकिन एक दूसरी व्यवस्था चलती इस देश में, वर्ण व्यवस्था। चूड़ा कदे भी ब्राह्मण नहीं हो सकता, मैं चूड़े का जामू, है ना, कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं हो सकता। और उसका उदाहरण बताओ आपको, उसका उदाहरण बताता मैं आपको, उसका उदाहरण है देश का राष्ट्रपति, को मंदिर में नहीं घुसने दिया, उसको सीढ़ियों बैठ के पूजा करी। अगर मेरे जैसा आदमी होता ना, मंदिर को तुड़वा देता मैं इनके। तो ये लोग दलाल हैं, हम लोग जो दलाल है समाज की दलाली करते हैं, हमारी औकात नहीं है राजनीति करने की,